सर्वेषम दशरथ लाल श्री रामचंद्र महाराज की जय। हुकुम। तुम्हारे सुल्तान को शर्म नहीं आती ऐसा भेदभाव बता करते हुए लिखता है कि रानी पद्मावती को मेरे हवाले कर दो। महारानी पद्मावती हमारा गुरूर, हमारा मान, हमारा स्वाभिमान है और चित्तौड़ की राज्य लक्ष्मी। यदि तुम्हारे सुल्तान ने यह बात मेरे सामने कही होती तो उसके ये कहने पर मैं उसकी जीभ खींच लेता और चित्तौड़ की सी मिट्टी में उसे दफन कर देता। महाराज, आप सुल्तान के गुस्से को और उस सुल्तान की ताकत को नहीं जानते। अगर आपने उनकी शर्त नहीं मानी तो उसका जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम इन गीदड़ भक्तों से डरने वाले नहीं है सरजा। हमारी भुजाओं में बल है और तलवार में आपसी धार। यदि तुम्हारे नापाक इरादों वाले सुल्तान ने चित्तौड़ की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो लपटे उठेगी, राख उड़ेगी और तुम्हारा सुल्तान दिल्ली समेत जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज, कहना आसान होता है, कर दिखाना मुश्किल। सुल्तान अगर फूंक भी मारे तो आपका चित्तौड़गढ़ ढह जाएगा और आपकी फौजें पानी में तिनके की तरह बह जाएंगी। हमारा चित्तौड़ कागज का नहीं बना है सरजा, उसका एक एक पत्थर हमारे संकल्प की तरह दृढ़ है और उसका एक एक सिपाही काल भैरव के समान यमराज से भिड़ने को तैयार। हमें लड़ाई में कट मरना मंजूर है सरजा, लेकिन ये शर्त हरगिज मंजूर नहीं। तो आप नाहा की जान देने पर आमादा है, आपकी मर्जी। महाराज, आप खुद न्योता दे रहे हैं मौत को, चित्तौड़ की तबाही। जाकर कह दो अपने उस जीवन से कि हमारी लाश पर पांव रखकर भी उसने चित्तौड़ में घुसने की हिम्मत की तो महारानी का नाखून तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि सारा हिंदुस्तान जानता है कि चित्तौड़ी कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। अब मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी सरजा।